हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग यूपीपीसीएस और यूपीएससी 2024 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जो मई 2023 है उसके सेशन को लगभग 7-8 क्लासेस में कंप्लीट किया है, जिसमें आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेगमेंट कंप्लीट हो गया है, इंटरनेशनल रिलेशन भी हो गया है, और इकोनॉमिक्स के पहले लेक्चर में हम लोगों ने चार टॉपिक को कवर किया। और आज हमारा ये सेकंड लेक्चर होगा जिसमें आज भी हम चार टॉपिक को कवर करेंगे और कल हम इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर देंगे। तो अगले 3 से 4 दिन में हम लोग साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट के सेगमेंट को भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप लोग सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा कि विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स की उपयोगिता कितनी है, यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस में कैसे प्रश्न बनते हैं इस पर भी डिटेल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में और इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं और अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आप इसे अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हर एक चीज़ आपके लिए टाइम टू टाइम और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी लगातार पीडीएफ्स, योजना, कुरुक्षेत्र और न्यूज़पेपर, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि कहीं भी आपको भटकना ना पड़े। सारी चीज़ें, सारी जरूरत की चीज़ें, तैयारी की, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इजीली मिल जाए। तो मैं शरद यादव स्वागत करता हूँ आज की अपनी इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के सेगमेंट को, जिसमें हम लोग आज टॉपिक नंबर 5 से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों जनसंख्या लाभांश, जो होता है जनसांख्यिकी लाभांश, जिसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड मतलब होता है लाभांश और डेमोग्राफिक मतलब होता है जनसांख्यिकी, अर्थात जनसंख्या जो हमारी भारत में है उसका लाभांश कैसे होगा, तो उसे हम देखते हैं। और इससे लगातार मेंस में हर साल प्रश्न एक ना एक रखा जाता है। पिछली बार भी यूपीएससी में रखा गया था, इससे पहले भी यूपीएससी और पीसीएस दोनों में ही रखा गया था, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कुछ बेसिक टर्म्स से रिलेटेड प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं टॉपिक के डिस्कशन की। देखिए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जिसको हम लोग PLFS कहते हैं, कि तिमाही बुलेटिन जो कि जनवरी से मार्च 2023 की जारी कर दी गई है, जिसमें बेरोजगारी की जो दर है वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे हम जनसांख्यिकी लाभांश का फायदा भी उठा सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस किया जा रहा है। जैसे तथ्य क्या दे रहा है कि शहरी भारत में युवाओं में बेरोजगारी दर 2022-23 की चौथी तिमाही में गिरावट दर्ज की गई है। तीसरी तिमाही में 18.6% से कम होकर 17.3% हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी दर हमारी कम हो गई है, थोड़ी कम हुई है, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो तीसरी तिमाही मतलब चौथी तिमाही की रिपोर्ट्स है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से बेरोजगारी दर में हम लगातार सुधार कर रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए 100 में से लगभग 17.3 लोग अगर बेरोजगार हैं तो यह अभी भी एक उच्च स्तर का चिंताजनक पॉइंट बना हुआ है। स्पेशली अगर आप देखेंगे राजस्थान, हिमाचल जैसे प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश, जो कि 2022-23 की चौथी तिमाही में बेरोजगारी की दर 30% से भी अधिक है। तो ये जो 17.3% है ये नेशनल लेवल पर है, जबकि आपके अगर स्टेट लेवल की बात करेंगे तो 30% से भी अधिक है। मैंने अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 से पहले करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि 4.3% के आसपास यूपी की बेरोजगारी दर हो चुकी है, जो कि पहले 14% थी। ऐसा योगी सरकार का क्लेम था कि 14% जो बेरोजगारी दर थी हमने उसे कंप्लीट किया है, कम किया है टारगेट करके, और 4.3% तक आ चुके हैं। और धीरे धीरे अगले 2 से 3 साल में हम इसको 2% तक लेके आने की पूरी कोशिश में हैं। तो ऐसा योगी गवर्नमेंट ने क्लेम किया है। और इस तरीके से आप देखेंगे नेशनल लेवल पर जो है बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है, लेकिन फिर भी चिंता का विषय बना हुआ है। अब बात आती है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है। तो देखिए, कामकाजी उम्र, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कामकाजी उम्र के लोगों की आबादी में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ में जो तेजी आएगी वही जनसांख्यिकी लाभांश कहलाती है। अब कामकाजी जो उम्र होती है उसको सामान्यतः 15 to 59 माना गया है, 15 साल या उससे ऊपर की। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी देश की अगर हम बात करेंगे तो कामकाजी उम्र की आबादी हो गई 15 से 64 साल की उम्र, और गैर कामकाजी उम्र की जो आबादी होती है जब उससे अधिक हो जाए तो वही जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति को प्राप्त करता है। सीधा फंडा समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, किसी देश में काम करने वालों की जो संख्या है वो मान लीजिए 100 है और काम न करने वालों की संख्या 20 है, तो 80 लोग जो है कि क्या हो गए, अधिक हो गए उन लोगों से जो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये उस देश के लिए एक डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, जनसांख्यिकी लाभांश होगा कि उस काम करने वाली जो उम्र की आबादी है 15 से 64 वर्ष की, उसके काम करने स्किल से वो अपने देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं।
तो ये होता है डिविडेंड। और गैर कामकाजी उम्र में कौन लोग शामिल होते हैं? 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे, जैसे सामान्यतः 8 साल, 10 साल, 12 साल के जो बच्चे हैं, 6 साल के, 1 साल के, ये बच्चे कोई काम करने के योग्य नहीं होते हैं, इनको स्कूल एजुकेशन चाहिए होती है। इसीलिए इस उम्र से कम बच्चों के लिए आर्टिकल 21 ए में राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है। ये शिक्षा का मौलिक अधिकार है और इन बच्चों को शिक्षा देने का काम होना चाहिए, न कि इनसे कोई काम कराया जाए। वहीं 64 वर्ष के बाद 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के आबादी के जो लोग हैं वो गैर कामकाजी होते हैं, यानी उन्हें भी कोई काम करने की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से अब कमज़ोर हो जाते हैं, सक्षम नहीं रहते हैं कोई हैवी वर्क करने के लिए, कोई मेंटली वर्क करने के लिए। इसीलिए ये दोनों जो पीयर ग्रुप्स हैं, 14 वर्ष या उससे कम और 65 वर्ष या उससे अधिक, ये लोग आपकी आश्रित आबादी में आते हैं। अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या घट रही है। लेकिन अगर किसी देश के काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, 15 से 64 वर्ष के लोगों की, तो आप ये समझिए कि वो जनसांख्यिकी लाभांश की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे कौन से संकेतक हैं जो बताते हैं कि भारत में जनसांख्यिकी बदलाव के दौर से गुजर रहा है? मतलब ऐसे कौन से पैरामीटर्स को आप देखेंगे, किन चीज़ों को देख के आप कहेंगे कि भारत में जनसांख्यिकी लाभांश हो रहा है या ऐसे चेंजेस हो रहे हैं? एग्जाम्पल, कम होती प्रजनन दर, वर्तमान में प्रजनन दर लगभग 2.4 है, मतलब सॉरी 2.0 हो गई है। तो यह भी एक अच्छी बात है कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में लगभग औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही है। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि जब औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही है तो यानी जो भी उसकी इनकम होगी वो उन दोनों बच्चों पे बहुत अच्छे से प्रयोग करेगी, अच्छे से खर्च करेगी, उसको वेल एजुकेशन देगी, अच्छी शिक्षा देने के साथ अच्छी हेल्थ दे सकेंगे, जिससे क्या होगा, भारत में बीमारी कम होगी और अनएजुकेशन बहुत कम होगा, अर्थात शैक्षिक स्तर बढ़ेगा तो लोग स्किल्ड होंगे और स्किल्ड होने के बाद रोजगार की श्रेणी में जुड़ेंगे, जिससे जनसांख्यिकी लाभांश बढ़ेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। आप ये मत देखिए कि औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही है तो जनसंख्या कम होगी तो कैसे हम लाभांश ग्रहण करेंगे। जनसंख्या आपकी भले कम हो लेकिन उस कम जनसंख्या में मैक्सिमम लोग काम करने वाले हो, स्किल्ड ओरिएंटेड हो, पोटेंशियल हो उनके पास काम करने का, इसीलिए उसको कहा जाता है कि कामकाजी उम्र के लोग होते हैं। वहीं आगे देखते हैं, देश की आबादी की जो मध्य आयु है, मिडिल एज में बढ़ोतरी हो रही है, 2011 के 24 वर्ष से बढ़कर अब 29 वर्ष हो गई है और 2036 तक यह 36 वर्ष होने का अनुमान है। यानी ये जो एवरेज औसतन आयु है ये 36 वर्ष होने वाली है धीरे धीरे, और अभी वर्तमान में 29 वर्ष हो चुकी है, जो लगातार कामकाजी वर्ग में हेल्पफुल होती है। वहीं अगर आप देखेंगे आश्रित आबादी जो होती है उसका भी हिस्सा कम हो रहा है। मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि अगर किसी देश में आश्रित आबादी कौन कौन सी होती है, जो सामान्यतः क्या होता है 14 वर्ष से कम होती है या फिर 65 वर्ष से ऊपर, या अगर भारत में अगर हम देखें तो 60 वर्ष या उससे ऊपर के लोगों को आश्रित आबादी में रखा जाता है। इसीलिए मैक्सिमम क्या होता है, 60 साल पे जो है कि रिटायरमेंट कर दिया जाता है लोगों का, और अब ये कह दिया था कि अब आप घर रहिए अपने बीवी बच्चों के साथ और अपने बहुओं के साथ, परिवार के साथ एंजॉय करिए, अपनी लाइफ के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़िए। यानी अब उन्हें काम करने के लिए मना कर दिया जाता है और वो आश्रित हो जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर, अपने बहू के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपनी बेटियों के ऊपर। तो आश्रित होने का मतलब अब वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई जीडीपी में योगदान नहीं कर रहे हैं, अब वो आश्रित हो गए हैं। और जब अगर ऐसे लोगों की संख्या घट रही होती है तो डेफिनेटली दूसरा ग्रुप बढ़ रहा होता है, जो वर्कर ग्रुप होता है, जो कामकाजी होता है। तो भारत में ये भी देखने को मिल रहा है कि 15 से 59 वर्ष की आयु के कामकाजी उम्र के रूप में लिया जाए तो देखेंगे कि आश्रित आबादी का हिस्सा 65% से घट के 54% हो सकता है। और जब अगर 54% हो रहा है तो इसका मतलब जो 45% थे, यानी जो पहले 35% थे, अब वो 45% की ओर मूव कर रहे हैं और ये कामकाजी वर्ग के लोग हैं। यानी कामकाजी लोगों की जो है कि संख्या बढ़ रही है और आश्रित लोगों की संख्या घट रही है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या जो लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये भारत बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकेगा इसका। इसको हम और भी आगे देखते हैं कि जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में आर्थिक समृद्धि क्यों होती है? जब भी डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है तो क्यों हम कहते हैं कि ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंस है और इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ से बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी, कैसे हम कहेंगे? तो पहली चीज़ आपको क्या मिलेगी, लेबर जो श्रम होता है उसकी आपूर्ति हो सकेगी। आपको कोई भी काम कराना है लेकिन आपके पास कोई स्किल्ड ओरिएंटेड या पोटेंशियल वाला कोई बंदा नहीं है, कोई आपके पास ऐसा लेबर नहीं है जो उस काम को कर सके, तो कहीं ना कहीं वो काम डिले हो जाएगा या वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा।
लेकिन भारत में क्या हो रहा है कि भारत में श्रम की आपूर्ति आसानी से हो रही है, क्योंकि ये जो काम करने वाला ग्रुप है ये लगातार स्किल्ड हो रहा है, पोटेंशियल हो रहा है, अपने आप को जो है कि प्रेजेंट कर रहा है, अपनी क्षमताओं का विकास कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि श्रम बल ईजिली अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा। और अधिक के आबादी को अर्थव्यवस्था में काम पर रखा जाता है या नहीं, ये भी एक मैटर करता है जनसांख्यिकी लाभांश पे। मान लीजिए जनसंख्या बहुत है, भारत की जनसंख्या अब तो दुनिया में सबसे अधिक हो चुकी है, चाइना कोई पछाड़ने वाली थी, पछाड़ भी दिया उसने, तो अब आप देखेंगे कि हम नंबर वन पे आ गए। लेकिन क्या ये पूरी पूरी जनसंख्या अगर आश्रित समूह में हो जाएगी तो भारत बहुत बड़े एक आर्थिक चैलेंज से गुजरेगा। लेकिन अगर यही संख्या बहुत अधिक मात्रा में वर्किंग हो जाए, कामकाजी हो जाए, तो आई थिंक भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बूस्ट करेगी। तो इसीलिए ये भी डिपेंड करेगा कि इनको उत्पादक कार्यों में लगाया भी जा रहा है या नहीं, कि केवल बस आप जनसंख्या तो दिखा रहे हैं लेकिन उस भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन को अगर आपने प्रोडक्शन के वर्क में नहीं लगाया, इंडस्ट्री में नहीं लगाया, एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं यूज किया, सर्विस सेक्टर में यूज़ नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो वेल्ले घूम रहे हैं। और वेल्ले घूमने का मतलब अपनी अर्थव्यवस्था पे, अपने देश पे, अपने समाज पे वो बोझ हो गए। तो यहाँ पर बात समझनी है कि इकोनॉमिक जो होता है, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड से जुड़ रहा है, तो श्रम की आपूर्ति इजिली होती है, पहली चीज। दूसरा क्या होता है इसमें, फिर दूसरा इसमें आप देखेंगे कि बचत में वृद्धि भी होती है। भाई आश्रित सदस्यों की अगर संख्या घटने लगे और कामकाजी व्यक्ति की अधिक बचत करने लगता है, सिंपल बात है, अगर एक परिवार में या आपके परिवार में चार लोग कमा रहे हैं और आपके परिवार में छह ही लोग हैं केवल, तो दो ही लोग तो आश्रित हैं, एक हो सकता है आपके बुजुर्ग पिताजी होंगे या माताजी होंगी और एक आध जो छोटे बच्चे हो सकते हैं, तो इनका खर्चा आपको उठाना है, बाकी चार लोग कमा रहे हैं, तो आपके घर में सेविंग्स अधिक होगी, पैसे अधिक आ रहे हैं तो सेविंग्स अधिक होगी और आप साथ ही साथ देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी योगदान कर रहे हैं। लेकिन अगर वही छह लोगों में से केवल एक आदमी कमा रहा हो और पांच लोग उस पर आश्रित हो, तो उनके खर्चे ही पूरे नहीं होंगे, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, उनकी दवाई, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ सिस्टम पे ही सारा पैसा खर्च हो जाएगा, तो आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। और जब सेविंग्स नहीं कर पाएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ या देश की जीडीपी में कोई योगदान नहीं कर पाएंगे, इवन अपने फ्यूचर के लिए भी आप कोई सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि अगर आपके आश्रित सदस्यों की संख्या घट रही है और कमाने वालों की संख्या अधिक हो रही है, तो कहीं ना कहीं बचत में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे पूंजी भंडार में भी बढ़ोतरी होगी। विकासशील देशों के लिए यह भंडार काफ़ी मायने रखता है कि किस तरीके से आश्रितों की संख्या कम की जाए और वर्कर्स के ग्रुप की संख्या ज़्यादा बढ़े। तो ये जो संचित पूंजी का एक निवेश होता है, ये प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी करता है। तो आप समझ गए लेबर की आपूर्ति, बचत की वृद्धि कैसे हो रही है। वहीं मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, प्रजनन दर में कमी का महिलाओं का स्वास्थ्य गहरा संबंध है। अगर एक महिला अपने जीवन काल में मान लीजिए 6 से 7 बच्चों को जन्म देती है, एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसा हम भारत में बहुत जगह देखते हैं कि 6 से 7 बच्चे अगर वो जन्म दे रही हैं, तो लगभग लगभग अगर 1 से 2 बच्चों के बीच में अगर आप एवरेज गैप देखेंगे तो 2 साल का गैप जरूर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 6 बच्चों को पैदा करने में उसके 12 साल जो है कि चले गए पूरे के पूरे केवल बच्चों को पालने में, अर्थात 9 महीने पेट में रख रहे हैं, फिर 1 साल के बच्चे को पूरी केयर देनी पड़ती है, फिर 1-2 साल के गैप पे एक दूसरा बच्चा हुआ, तो 12 से 13 साल जो उसका मेन पीरियड होता है काम करने का, वो चला गया। यानी उसके पोटेंशियल को, उसकी क्षमता को, उसकी एनर्जी लेवल को हमने यूज़ नहीं किया, केवल बच्चे पालने में चला गया या बच्चों को पैदा करने में चला गया। दूसरी चीज़, धीरे धीरे वो इस उम्र के पड़ाव में 35 साल या 40 साल के प्लस एज में जा चुकी है, जहाँ से अब उसकी वर्किंग प्रोफेशन धीरे धीरे कम होती है, पोटेंशियल क्षमता कम होगी। इस वजह से हम देखते हैं कि अगर ह्यूमन कैपिटल बनाना है तो अगर वो महिला एवरेज 2 बच्चों को जन्म दे रही है तो मुश्किल से 4 से 5 साल उसके अपनी लाइफ में इसलिए यूज हुए कि उसको बच्चों को जन्म देना था और उनका पालन पोषण करना था, बाकी उसकी एनर्जी, पूरी पोटेंशियल, उसकी जो स्किल्ड है वो पूरा का पूरा सेफ है जिसे वो यूज करेगी। उसका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान और 9 महीने जो है कि बच्चों को पेट में रखना, फिर उसका प्रेगनेंसी होना, फिर उसके बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लगातार 2 से 3 साल तक वो महिला अपने आप को कमज़ोर महसूस करती है, शारीरिक रूप से उसके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, पीरियड्स प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो महिलाएं हैं इस उम्र में या इस ग्रुप से जुड़ी होंगी या एक तरीके से इस पीरियड से वो गुजरी होंगी, उन्हें ये चीज़ें पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो अगर हमारा एवरेज जो है कि नेशनल लेवल पर जो फर्टिलिटी रेट है जो 2% हो गया, यानी एवरेज 2 हो गया है कि एक महिला 2 बच्चों को जन्म दे रही है, तो उसे 2 बच्चों को भी पैदा करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए कम प्रजनन दर का मतलब है कि महिला का स्वास्थ्य अच्छा है,
और अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा है तो परिवार पे कम आर्थिक बोझ है, क्योंकि उसके लिए या बाकी लोगों के लिए पैसे का बोझ कम है क्योंकि सेविंग्स ज़्यादा होंगी, और माता पिता के लिए अपने प्रत्येक संतान के स्वास्थ्य एजुकेशन पर अधिक खर्च करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे कम एजुकेटेड हों, कम हेल्दी हों। वो हमेशा चाहते हैं कि कम से कम भले पैसे हों हमारे पास, लेकिन वो पूरी ताकत लगाते हैं, खुद भूखे रह के खुद तपस्या करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन और बेहतर हेल्थ सिस्टम देते हैं। तो तभी तो संभव हो पाएगा जब बच्चे कम होंगे और उनकी सेविंग्स ज़्यादा होंगी, तो मानव पूंजी भी डेवलप होगी। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है दोस्तों कि एक अच्छा व्यक्ति बनना, स्किल्ड ओरिएंटेड पोटेंशियली व्यक्ति बनना, हेल्थ सिस्टम उसका अच्छा होना चाहिए, बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन लेवल उसका अच्छा होना चाहिए। वो तभी होगा जब उसकी फैमिली के मेम्बर कम होंगे और इनकम अधिक से अधिक आएगी, बचत होगी। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, डिविडेंड का क्या सीधा सीधा बेनिफिट होता है, और वहीं मांग में भी वृद्धि होती है, इससे प्रति व्यक्ति जीडीपी में बढ़ोतरी होती है और आश्रित आबादी के घटते अनुपात से संभव होता है। अब फायदा उठाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं इसका? तो पहला, कैसे आप फायदा उठा सकते हो जनसांख्यिकी लाभांश का? कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय करें। कोई भी सरकार बेहतर स्वास्थ्य से आर्थिक उत्पादन में सुधार कर सकती है अगर व्यक्ति का हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है। कोरोना पीरियड्स में आप देखेंगे बहुत सारे जो अच्छी खासी फैमिली से लोग बिलोंग करते थे, लेकिन उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं था। वहीं जो लेबर क्लास थी, वर्किंग क्लास थी, जो रोज़ जो है कि कमा के खाती थी, पेट भरती थी, अपना रोज़ काम करती थी, फिर उस पैसे को सेव करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा था इसलिए वो टिक गए। लेकिन जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं था वो कोलैप्स कर गए, उनकी फैमिली में लोग गुजर गए, वो नहीं झेल पाए कोरोना के इस आपात को। तो इस वजह से सरकार को भी स्वास्थ्य और शिक्षा पे अधिक से अधिक पैसा खर्च करना चाहिए, जिससे उन लोगों को सुरक्षित रखा जाए, उनकी हेल्थ सिस्टम को अच्छा रखा जाए। साथ ही साथ शिक्षा में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कामकाजी उम्र के लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए स्किल्ड ओरिएंटेड आप बना सकते हैं और पूरा कर सकते हैं कुशल कार्यबल की जो डिमांड होती है। महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना, इसके लिए क्या होगा कि जो घरेलू कार्यों में लगी और काम करने हेतु इच्छुक सभी महिलाओं को रोजगार मिलेगा। महिला कार्यबल की भागीदारी में लगभग 20% की वृद्धि की जा सकती है। आप साउथ कोरिया को इसका एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं कि उसने कैसे महिला कार्यबल की भागीदारी को 50% बढ़ाने में सफलता मिली है उसे। और ऐसा क्या उसने किया कि महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियाँ भी मिली, तो उन्होंने बखूबी बहुत अच्छे से निभाया। और ये कैसे निभाया? पहली चीज, उनके फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट मिला उन्हें, उनकी कम्युनिटी, उनकी सोसाइटी, उसका सपोर्ट मिला, साथ ही साथ उनको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिला। कैसे मिला? क्योंकि लैंगिक बजट तैयार किया गया, जैसे मेल के फीमेल्स जो ग्रुप्स हैं, फीमेल ग्रुप, उनके लिए एक अलग से बजट तैयार किया गया जो केवल और केवल फीमेल्स पे ही खर्च किया जाएगा। तो भारत सरकार को भी ऐसे विचार रखने चाहिए कि भाई फीमेल्स के लिए भी एक अलग से बजट तैयार करो, जितनी भी योजनाएं फीमेल्स से रिलेटेड है उनके पैसे केवल फीमेल्स को मिलेंगे। वहीं बाल देखभाल संबंधी लाभों को बढ़ा दिया गया, बच्चों की केयर करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई, हेल्थ फैसिलिटी प्रदान की गई, एजुकेशन फैसिलिटी दी गई, और उनके न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा गया, पोषण का भी, ताकि उनके बच्चे हेल्दी रहें। और अंशकालिक कार्यों के से संबंध में भी जो टैक्स संबंधी जो छूटें थी वो उन्हें बढ़ा दी गई, टैक्स में रिवार्ड मिलने लगा। ये सारी चीज़ें की गई जिससे साउथ कोरिया में महिलाओं का जो कार्यबल था वो बढ़ गया। तो भारत भी इन चीज़ों को कर सकता है। माना कि 49% आबादी जो है कि महिलाओं की भारत में, तो हालांकि 49% आबादी जो है उसमें जो वर्किंग ग्रुप्स हैं उनको आप ये सुविधाएं दे सकते हैं, जिनमें कुछ जो है कि अनमैरिड होंगी और कुछ मैरिड होंगी, तो दोनों ही स्तर पे आप सुविधाएं दे सकते हैं, एक अलग से बजट तैयार कर सकते हैं। तो जो 20% 30% की अगर महिला कार्यबल की संख्या बढ़ेगी तो नो डाउट इकोनॉमिक ग्रोथ में भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। वहीं गवर्नेंस में भी सुधार होना चाहिए, एक नया संघीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। संघीय दृष्टिकोण में क्या करना चाहिए कि राज्यों के बीच नीतिगत समन्वय स्थापित करना चाहिए, जैसे प्रवासन, बुढ़ापा, कौशल विकास, शहरीकरण, इन जैसे अलग अलग पहलुओं पे राज्यों के बीच एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलना चाहिए कि राज्य कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग करके इन नए नए पर्सपेक्टिव पे कि माइग्रेशन को रोका जाए, ये जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके लिए क्या सुविधा दे सकते हैं, स्किल्ड ओरिएंटेड होने के लिए आप कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स चला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और शहरीकरण में जो समस्याएँ पैदा हो रही हैं उन समस्याओं को भी कम करें ताकि हमारी जो आश्रित आबादी है उसकी संख्या कम हो सके। जैसे योजना निर्माण करिए, निवेश, योजना की निगरानी, निरंतर सुधार, और साथ ही साथ मंत्रालयों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन देखने को मिलना चाहिए, तभी यहाँ पे हम इसका लाभ उठा सकते हैं। और कौशल संबंधी जो कमियाँ हैं उनको भी दूर किया जाए,
जिसके लिए आप एक प्रोफेशनल स्किल्ड इंटर्नशिप एम्बेडेड प्रशिक्षु डिग्री कार्यक्रम, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज चलाए जाते हैं जिसको आपको महत्व देना चाहिए। उद्योग जगत और शिक्षण संस्थानों के बीच में भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो भी एजुकेटेड जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से जो स्किल्ड ओरिएंटेड होकर जो स्टूडेंट निकल रहा है, जो प्रोफेशनल डिग्री लेके निकल रहा है, जो ट्रेनिंग करके निकल रहा है, उसको भी जॉब के लिए जॉब सीकर बनाए, बहुत सारी चीज़ों को उनको सुविधाएं दें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि डिविडेंड का फ़ायदा लिया जा सकता है। वहीं एक और पॉइंट किया जा सकता है, विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह को प्रोत्साहित करना, यानी फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज आउटफ्लोज नहीं, कैसे भी करके हम विदेशी इन्वेस्टमेंट को अपने भारत में मंगाएं। जैसे सकल स्थायी पूंजी निर्माण को बढ़ाकर इसे सकल घरेलू उत्पाद का 33% करना चाहिए। अगले 25 वर्षों में लगभग 120 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संचयी पूंजी की आवश्यकता होगी। यानी कुछ ऐसा भी किया जाता रहना चाहिए, प्रोडक्शन के अंतर्गत निर्यात अधिक होना चाहिए, अधिक से अधिक FDI जो है कि भारत में आए, FPI है, इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा सकते हो और भारत को अधिक रिटर्न देने वाले अवसरों की पहचान कर विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह को बढ़ाना चाहिए। मतलब अधिक से अधिक रिटर्न देने के लिए नियम्स बनाने चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए, एक सिंगल विंडो होनी चाहिए जहाँ से सारे अप्रूवल्स मिल जाएं। इस तरीके से FDI को भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, FDI को भी अपने देश में अधिक से अधिक ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए FDI के लिए, तो पूंजी के कुशल आवंटन के लिए आपको उदार श्रम बाजार नीति बनानी चाहिए, उपयुक्त समग्र आर्थिक और वित्तीय सुधार जैसे कदम भी उठाने पड़ेंगे, बहुत सारे वर्क यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम डिविडेंड की प्रॉफिट को ले सकते हैं। और साथ ही साथ कृषि पर निर्भरता में कमी करिए, भारत को कृषि पर आश्रित आबादी की संख्या कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज GDP में लगभग 18% के आसपास भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कि अपना योगदान दे रहा है इंडिया की GDP में, लेकिन इंडिया के लगभग 60% लोग आज भी कृषि पर आधारित हैं, कृषि पर निर्भर हैं। तो 60% आबादी जब अपना योगदान दे रही है और जिसका पूरी GDP में 18% ही योगदान मिल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो इस 60% आबादी को कम करिए, इस आश्रित जो जनसंख्या है उसको स्किल्ड करिए, पोटेंशियल बनाइए, इसको जो है कि ट्रेनिंग दीजिए ताकि ये अदर ग्रुप्स में जाए, अदर सर्विस सेक्टर में जाए, अदर प्राइवेट सेक्शन में जाए, जिससे एग्रीकल्चर के मार्केट से निकल के, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से निकल कर ये इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इस तरीके के सेक्टर में आए जिससे GDP ग्रोथ के सिंबल्स हमारे लिए मिलते रहें। अन्य उपाय में आप अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों को लागू कर सकते हैं, सामाजिक जरूरतों को जो है कि ध्यान में रख के उसके लिए काम कर सकते हैं, प्रभावी यानी इफेक्टिव जो सोशल सर्विसेज है उसको प्रदान करिए, तृतीयक स्तर की शिक्षा गुणवत्ता में वृद्धि करिए, जल आपूर्ति और सैनिटेशन इन सभी चीज़ों पर, और साथ ही साथ शहरी विकास पर भी बल देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने जो हेडिंग्स पढ़ी थी अभी, क्या पढ़ी थी हेडिंग, कि फ़ायदा उठाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए डिविडेंड का, तो वो ये मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर एक टर्म्स है, आइए हम इसे भी समझते हैं, जो एक छोटी सी टर्म्स है कि सेकेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो सेकेंड और फर्स्ट क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, प्रथम जनसांख्यिकी जो लाभांश होता है वो जननांकी ट्रांजिशन कहलाता है, इस प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। कुल आबादी में कामकाजी उम्र की आबादी का अगर हिस्सा बढ़ जाता है और आश्रित आबादी का प्रतिशत घट जाता है तो इसी को हम प्रथम जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। जबकि दूसरी जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति कब आती है, जब वयस्क आबादी की आयु में वृद्धि होती है और इसके चलते व्यक्ति बुढ़ापे के लिए अधिक से अधिक बचत करने लगता है और बचत में यह वृद्धि पूंजी संचय और आर्थिक समृद्धि में योगदान कर सकती है। तो द्वितीय जनसांख्यिकी लाभांश होता है, यानी जो एडल्ट ग्रुप्स होते हैं वो अपने बुढ़ापे के लिए जब अभी से सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं तो उससे क्या होता है, एक कैपिटल इकट्ठा होती पूंजी और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी वो लोग यूज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, यानी योगदान कर सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूट करके। आज NPS क्या है, NPS जो न्यू पेंशन स्कीम्स है या ओल्ड पेंशन स्कीम है, OPS जिसे कहते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आज के लोग जो वर्कर्स हैं वो अपने बुढ़ापे अर्थात 60 ईयर प्लस जब रिटायर होते हैं तो उस समय जो उनको रिटायरमेंट में पैसा मिलता है उसके लिए कंट्रीब्यूशन वो आज से ही कर रहे हैं, और आज जो कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन उसका गवर्नमेंट के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, आज की ज़रूरतों को ध्यान में रख के और सोसाइटी के लिए किया जा रहा है, जो सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करना है, तो इन सभी चीज़ों में प्रयोग किया जा रहा है। तो बुढ़ापे के लिए लोग आज से सेविंग्स कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट उसका प्रयोग अन्य सेक्टर में कर रही है ताकि बुढ़ापे में उनको वो सुविधाएँ मिल सकें, तो ये भी एक बेहतर उपाय होगा। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ गया कि पहली जनसांख्यिकी लाभांश और दूसरी जनसांख्यिकी लाभांश में क्या फ़र्क होता है। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है भारत में ग्रामीणीकरण।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से मेंस में लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रीलिम्स में तो नहीं, मेंस में यहाँ से पूछा जा रहा है, और आप प्रीवियस ईयर के पेपर में देख सकते हैं इसकी क्या क्या जो है कि इम्पॉर्टेंस है। तो क्या होता है ग्रामीणीकरण, और भारत में ये एक बड़ा एक चैलेंज बनता जा रहा है। कैसे? कई विशेषज्ञों ने दावा किया कि भारत में बढ़ती शहरी बेरोजगारी के कारण ग्रामीणीकरण के बढ़ावा मिल रहा है, और ये एक संरचनात्मक बदलाव के तौर पे देखा जा रहा है। देखिए भारत में क्या हो रहा है, आज भी लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, रोजगार की खोज में जो है कि शहरों की ओर आ रहे हैं, लेकिन शहर में रोजगार अब उतने अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, या लोगों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए अब वो गाँव की ओर दोबारा जा रहे हैं, और गाँव में नए स्टार्टअप्स, नए बिजनेस, नए जो कि रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, इसी चीज को ग्रामीणीकरण की ओर कहा जा रहा है। जैसे शहरीकरण मतलब शहर को डेवलप किया जा रहा है, वैसे ही अब गांव को डेवलप करने की प्रक्रिया को ग्रामीणीकरण करें। शहर की सारी मूलभूत आवश्यकताओं की सुविधाएं, रोजगार की सुविधाएं अगर गांव में मिलने लगी तो इसे हम ग्रामीणीकरण कहेंगे, मतलब गांव का भी विकास होगा। कैसे? तो ग्रामीण उत्पादों, रोजगार और कृषि कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नए अवसर प्रदान करना ही ग्रामीणीकरण कहलाता है। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांव के स्तर पे अगर आप ग्रामीण प्रोडक्ट जो होते हैं, रोजगार, कृषि कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नए अवसर अगर आप दे रहे हैं लोगों को, तो ग्रामीणीकरण कहलाता है। जैसे आप शहरों में नए नए अवसर प्रदान करते हैं तो उसे शहरीकरण कहते हैं, इसीलिए इसको ग्रामीणीकरण कहा जा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, भारत के नज़रिए से अगर हम इसे देखें, भारत जैसे विकासशील देश में ग्रामीणीकरण की प्रवृत्ति को वी औद्योगिकरण के रूप में देखा जा रहा है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि शहरों में इंडस्ट्रियों की स्थापना बहुत कम हो रही है। अगर मैक्सिमम इंडस्ट्रीज अगर खोली जाए शहरों में, तो मैक्सिमम आने वाले जो गांव के लोग हैं पलायन करके आते हैं शहरों में रोजगार के लिए, तो उनको इंडस्ट्री में रोजगार मिल सकता है, तो वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, आराम से शहरी रोजगार प्राप्त कर लेंगे। लेकिन शहरों में इंडस्ट्रीज है नहीं, इसलिए उनको रोजगार की कमी हो रही है, इसीलिए वो वापस गांव की ओर जा रहे हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि वी औद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारत में औद्योगिक विकास में कमी देखने को मिलती है, इसीलिए वो लोग गाँव की ओर बढ़ते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाकलापों और विनिर्माण क्षमता में जब कमी आती है तो उद्योग धंधे मंद पड़ जाते हैं, और इसे ही वी औद्योगिकरण कहा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप शहरी कार्यबल या आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसने लगती है। भारत में यही देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि क्या हो रहा है भारत में यही तो प्रॉब्लम्स आ रही है कि शहरी कार्यबल क्या हो रहा है या आबादी वो ग्रामीण क्षेत्रों में बस रही है, क्योंकि उसे यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री में काम नहीं मिल पा रहा है, उद्योग धंधे मंदे पड़ते जा रहे हैं। इसी को हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में देखते हैं, जो कि एक भारत में बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। ग्रामीणीकरण हालांकि अच्छा कॉन्सेप्ट है, गाँव को नए तरीके से डेवलप करने का कॉन्सेप्ट है, गाँव में ही गाँव के लोगों को रोजगार देने का कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से ये गांव जो ग्रामीणीकरण हो रहा है ये भारत के लिए बेहतर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसका सीधा संबंध ये माना जा रहा है कि शहर अब रोजगार के लिए योग्य नहीं रहे। शहरों में रोजगार की कमी है, इंडस्ट्री की कमी है, सर्विस सेक्टर की कमी है, इसीलिए लोग अब गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई। इससे क्या होगा, जो कार्यबल का ग्रामीण भारत की ओर स्थानांतरण और निम्न औद्योगिक विकास गरीबी के स्तर में वृद्धि की ओर संकेत करता है। अगर लोग शहर से गांव की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं, निम्न औद्योगिक विकास क्या होगा, गरीबी के स्तर को बढ़ाएगा, यानी कि लो स्तर पे हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, लो स्तर पे, लोअर स्तर पे हो रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारी गरीबी के स्तर में वृद्धि करेगा। तो भारत ऑलरेडी इतनी गरीबी झेल रहा है, उसमें अगर और वृद्धि होगी तो ग्रामीणीकरण का कॉन्सेप्ट भारत के लिए कोई बेहतर नहीं होगा। और क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं ग्रामीणीकरण के, तो हम देखेंगे समग्र आर्थिक समृद्धि में गिरावट देखने को मिलेगी पूरी तरीके से, विनिर्माण क्षेत्र में करों का कम संग्रह होगा, मतलब जो इंडस्ट्री सेक्टर है अगर उसमें जो है कि लोगों को कम रोजगार मिलेगा तो कम टैक्स का कलेक्शन होगा, विनिर्माण क्षेत्र में लगे कर्मियों के लिए नए रोजगार खोज पाने में कठिनाई होगी, जब लगातार इंडस्ट्री बंद होंगी तो जो व्यक्ति पहले से उसमें काम कर रहा था उसको नया रोजगार कहाँ मिलेगा, और अधिशेष श्रमिक यानी कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे 100 लोगों की जरूरत है लेकिन वहाँ 150-200 लोग काम कर रहे हैं, फालतू 50-60 लोग काम कर रहे हैं, उनको कम मजदूरी वाले रोजगार में लगने से आय की असमानता में वृद्धि होगी। कंपनी ने जब उन्हें छांटना शुरू कर दिया उद्योग धंधों के मंद पड़ने पे, तो जो 50-60 लोग जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे थे उन्हें कम इनकम मिलेगी, तो आय की असमानता होगी, ये प्रॉब्लम्स होगी, और उत्पादकता में वृद्धि की धीमी गति भी देखने को मिलेगी। तो ग्रामीणीकरण भारत के संदर्भ में बहुत अच्छा काम नहीं है। हालांकि दुनिया के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो ग्रामीणीकरण का मतलब है कि गाँव में सारी सुविधाएँ आप प्रोवाइड करिए, लोगों को पलायन ना करना पड़े,
लेकिन ये सकारात्मक तो था, लेकिन भारत के लिए सकारात्मक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चैलेंजेस काफ़ी अलग हैं यहाँ पे। अगर हम देखेंगे कि कैसे हम कह सकते हैं कि ग्रामीणीकरण की हालिया प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है भारत में, तो पहला है निजी निवेश की दीर्घकालिक कमी। जो निजी निवेश हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसमें लगातार कमी आ रही। 2019 में 10.8% था, जो 2022 में 8.4% रह गया। तो निजी निवेश की दीर्घकालिक कमी हो रही है लगातार। बेरोजगारी की समस्या बने रहना, बेरोजगारी की समस्या लगातार बने हुई है। आरबीआई ने एक सर्वेक्षण में कहा 2023 की चौथी तिमाही में कि कोरोना महामारी के मामले में कमी आने के बाद रोजगार और आय दोनों स्थितियों में सुधार तो हुआ है, लेकिन फिर भी जीवन यापन की जो बढ़ती लागत है उसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय में गिरावट देखने को मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। कार्यबल पर जो कार्यबल है उसका कृषि की ओर झुकाव, क्योंकि PLFS के अनुसार भारत में कार्यबल की कृषि पर निर्भरता 2018-19 में 42% थी, जो बढ़ गई 21-22 में 45% हो गई। क्यों? दिल्ली महाराष्ट्र बंगलूर जैसे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज से जब लोग निकले हैं कोरोना पीरियड्स में, तो जब वो अपने गांव और घरों की ओर गए तो उन्होंने दोबारा मेट्रो सिटी में जाने की कोशिश नहीं की, वो अपने एग्रीकल्चर वर्क में वापस आ गए, खेती किसानी में वापस लग गए, जिसकी वजह से कृषि पर और दबाव बढ़ गया। जो कृषि पर निर्भर आबादी पहले से ही थी उसकी संख्या में और बढ़ोतरी देखने को मिली। हुआ कैसे? वास्तविक कृषि GVA जो होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 3.8% की दर से बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन यह 3.2% की वास्तविक GDP वृद्धि से अधिक है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहीं अनाज और खाद्यान्न की मांग में पुनः वृद्धि होने लगी। भारत में अनाज की प्रति व्यक्ति मासिक खपत जो 93-94 में 12.9 किलोग्राम थी, वो 11-12 में घट के 10.4 किलोग्राम्स हो गई, यानी 1.7% की कमी देखने को मिली यहाँ पे। औद्योगिक उत्पादन में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि USA में जो औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन पिछले 10 सालों में भारत की अगर हम तुलना करें तो 2000 से 2012 के लगभग 7.7% से घट के 2.1% हो गई, जो कि एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है 5.5% की गिरावट के साथ। जबकि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए थी, समय के साथ इंडस्ट्री में जो है कि लगातार इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था, लेकिन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट न आने की बजाय गिरावट देखने को मिली। लोगों ने इंडस्ट्री छोड़ना शुरू कर दिया, लोग अपने ग्रामीण स्तर की ओर बढ़ने लगे। तो यही सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ग्रामीणीकरण का प्रभाव जो पड़ रहा है वो भारत में निगेटिव हो रहा है। और अगर हम आगे देखते हैं, जो ग्रामीणीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ शहर में शुरू की गई पहले कि ग्रामीणीकरण की जो प्रवृत्ति है उसे रोका जाए, भारत में ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो इसके लिए PLI उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन दिया जा रहा है 14 प्रमुख क्षेत्रों को, प्राइम लैंडिंग जिसे हम कहते हैं, PM स्वनिधि जो वेंडर कैपिटल से, जो आत्मनिर्भर भारत का जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था कोरोना पीरियड्स में, तो स्ट्रीट वेंडर जो रेडी पटरी लगाते हैं, जो ठेले लगाते हैं, उनके लिए 10,000 रुपये का लोन था न्यूनतम ब्याज दर पे, कि आप 10,000 रुपये का लोन लीजिए और अपनी जो है कि स्ट्रीट वेंडिंग जो आपके गली नुक्कड़ में जो आप रोडों पे ठेले लगाते थे उनको दोबारा आप स्टार्टअप के रूप में यूज कर सकते हैं। PM गति शक्ति में समृद्धि और सतत विकास के लिए दृष्टिकोण अपनाया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिससे गरीब जो शहरी गरीब परिवारों की निर्धनता और दयनीय स्थिति को दूर किया जा सके। वहीं सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड शुरू किया गया। और अंतिम रूप से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो कि MSME को बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान करने के लिए, यहाँ पे जमानत का मतलब है कि किसी प्रकार की कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है, बस आप मुद्रा योजना से जो भी आपको लोन मिलता है 1-2 लाख का आप उसे ले लीजिए और जो भी इसकी इंटरेस्ट रेट होगी आप उसे पेमेंट कर दीजिएगा, बस आपकी कोई गारंटी नहीं ली जा रही है, क्योंकि मुद्रा योजना प्रधानमंत्री साहब ने खुद दी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के रूप में, ताकि अधिक से अधिक लोग दोबारा रोजगार की ओर मूव करें। तो ये ग्रामीणीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ पहले शुरू की गई सरकार के द्वारा, तो ये सभी चीज़ें हैं। और फाइनली हम लोग कंक्लूजन को जब देखेंगे तो भारत सबसे तीव्र गति से विकास करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में शामिल है। 2022-23 में GDP जो है कि 7.2% की वृद्धि हुई है इसमें, और इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक समृद्धि मुख्य रूप से निजी खपत और पूंजी निर्माण के कारण हुई है, और इन प्रवृत्तियों ने रोजगार पैदा करने में भी मदद दिया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ग्रामीणीकरण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब आप समझ पाए होंगे कि ग्रामीणीकरण क्या होता है और ये भारत के लिए हेल्पफुल है या नहीं, इसको भी आपने क्लियर कट समझा होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में खाद्य भंडारण, यानी फूड स्टोरेज इन इंडिया, और कृषि और खाद्य भंडारण इनसे संबंधित लगातार प्रश्न हमारे UPSC और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के मेंस में पूछे जाते हैं। तो इसे हम समझते हैं भारत में खाद्य भंडारण यानी फूड स्टोरेज इन इंडिया क्या है।
ये फूड स्टोरेज। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति IMC के गठन और उसे सशक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मतलब अब विश्व की सबसे बड़े स्तर पे जो है कि अनाज भंडारण योजना को जो है कि शुरू किया गया है। क्या क्या उद्देश्य होंगे इस योजना के? तो पहला उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा, खाद्य की बर्बादी को कम किया जाएगा, किसानों को सशक्त बनाया जाएगा। ये तो प्रमुख रूप से उद्देश्य होगा नई योजना के। और इसके लिए प्राथमिक कृषि साख समितियों जिसको हम पैक्स कहते हैं के स्तर पर गोदामों और कृषि अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। और इसका कार्यान्वयन कौन देखेगा? तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। और सहकारिता मंत्री ने या मंत्रालय ने इसके लिए अलग अलग राज्यों से कम 10 चयनित जिलों, कितने जिलों को नोटिस किया जा रहा है? 10 चयनित जिलों में एक पायलट परियोजना लागू की जाएगी। तो ये जो विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना लागू की जा रही है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या कहेगा इंपॉर्टेंस में कि कितने जिलों में प्रारंभिक स्तर पर लागू की जा रही है पायलट परियोजना के रूप में? तो 10 चयनित जिलों में अलग अलग राज्यों से। और अनाज भंडारण योजना के तहत समन्वय के लिए कई योजनाओं की पहचान भी की गई है। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इसके अनाज भंडारण में काम करेंगी? तो कृषि एवं कल्याण किसान मंत्रालय जो है किसान कल्याण मंत्रालय से ये 4 योजनाएं हैं जिसको हम कृषि अवसंरचना फंड, कृषि विपणन अवसंरचना योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन और कृषि यंत्रीकरण उपमिशन। तो 4 योजनाएं तो ये ले ली गई। फिर दूसरा मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इसको लिया गया है। वहीं उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान्न का आवंटन जो किया जा रहा है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद करना यानी MSP पे। तो ये जो 3 मंत्रालयों की जो योजनाएं हैं कुछ प्रमुख प्रमुख इनकी पहचान की गई है इसमें कोऑर्डिनेशन और समन्वय करने के लिए। तो भारत में अगर हम देखेंगे भारत में अनाज का प्रबंधन कैसे होता है, खाद्यान्न का प्रबंधन, तो कुल उत्पादन जो होता है मतलब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 3100 लाख टन हजार मतलब इसका अनाज का उत्पादन होता है। वहीं अगर आप देखेंगे अनाज की खरीद के लिए क्या क्या व्यवस्था है सरकार की, अब जैसे इतना प्रोडक्शन हो गया तो कैसे इसको स्टोर किया जाए, कैसे इसको परचेस किया जाए, तो केंद्रीकृत प्रणाली सेंट्रलाइज में क्या होता है FCI के द्वारा पूरा का पूरा जो है कि अनाज की खरीद की जाती है, सीधे करती है या फिर राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाती है और बाद में उन्हें FCI को सौंप दिया जाता है। अगर राज्य सरकार की कोई एजेंसी खरीद रही है खाद्यान्न को और बाद में क्या कर रही है उसे FCI को सौंप दे रही है या फिर डायरेक्ट FCI खरीद रही है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार की जो है कि पूरी की पूरी एक तरीके से केंद्रीकृत प्रणाली चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ विकेंद्रीकृत खरीद योजना जिसमें FCI को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है बल्कि इस योजना को 1997 to 1998 में शुरू किया गया और इसमें जो अनाज की खरीद और वितरण होगा इसमें ये जो कार्य होगा वो स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे जो FCI है या इंडियन गवर्नमेंट है इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए इसको विकेंद्रित खरीद योजना भी कहा जाता है। और खाद्यान्न का वितरण कैसे होगा? तो केंद्र सरकार FCI के जरिए खाद्यान्न की खरीद, भंडारण व परिवहन संबंधी कार्यों को देखते हैं। केंद्र सरकार FCI के जरिए क्या करें, खाद्यान्न की खरीद करना, भंडारण और परिवहन क्रियाकलापों को देखते हैं। फिर बाद में राज्य सरकारों को थोक आवंटन कर दिया जाता है इसका उठा के और फिर उसी क्या करती है राज्य सरकार, लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी फिर राज्य सरकार को सौंप दी जाती है, जिसके लिए राज्य सरकार क्या क्या करेगी, सबसे पहले जो राज्य के भीतर खाद्यान्न आवंटन संबंधी कार्य करेगी, फिर जो पात्र परिवार होंगे जो BPL कार्ड धारक होते हैं राशन कार्ड वाले या APL कार्ड धारक होते हैं या आपका जो है कि अंत्योदय वाले जो होते हैं इनकी पहचान करेगी और इनके लिए एक राशन कार्ड जारी करेगी। फिर जो उचित मूल्य की जो दुकानें होती हैं इनके कामकाज की देखरेख भी करना, जो आप कहते हैं ना सरकारी गल्ले की दुकान या सरकारी अनाजों की दुकान जो होती है कोटे की दुकान, उनका देखरेख करेगी, उनकी सारी नियंत्रण करेगी उनके ऊपर और उनके माध्यम से जो ज़रूरतमंद लोग हैं BPL APL और अंत्योदय कार्ड योजना धारक इनके राशन कार्ड वालों को क्या करती है अंगूठे का निशान लगवा के इस बार बायोमेट्रिक करवा के उनको अनाज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि एक प्रभावी अनाज भंडारण प्रणाली की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है भारत में कि अनाज का स्टोर क्यों किया जाए, तो पहली चीज बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज विकसित करने के लिए, यानी कि यहाँ पर क्या प्रभावी भंडारण प्रणाली किसानों के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी सिस्टम को भी मदद करेगी। वहीं स्थानीय भंडारण प्रणालियों का अभाव है, घरेलू क्षेत्र द्वारा कुल उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा अपने पास रखा जाता है और इसके अलावा अनुचित भंडारण के कारण
खेत के स्तर पर ही अत्यधिक मात्रा में अनाज बर्बाद हो जाता है। इसी बर्बादी को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर अब हम भंडारण प्रणालियों को शुरू करेंगे। वहीं भंडारण व्यवस्था का अनुचित प्रबंधन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस तरह से लंबे भंडारण से अनाज को चूहों, नमी और पक्षियों, कीटों से नुकसान का जोखिम होता है, क्योंकि उनकी जो खुद की लाइफ होती है, सेल्फ लाइफ, वो बहुत अधिक समय तक नहीं होती है। इस वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। और अवैज्ञानिक भंडारण, लगभग 80% हैंडलिंग और वेयरहाउसिंग जो होते हैं, वेयरहाउसिंग सुविधाओं को अब तक मशीनीकृत नहीं किया गया है, तो ये एक प्रॉब्लम्स है। भंडारण सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता ना हो पाना, FCI के पास आज भी अनाज भंडारण केंद्रों और पर्याप्त भंडारण क्षमता रखने वाले गोदामों का अभाव है। देश के अगर सभी गोदामों में केवल 47% उपज का ही भंडारण हो सकता, तो 53% क्या होगा, वेस्टेज होगा। तो इसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। कोल्ड स्टोरेज से जुड़े मुद्दे को अगर आप देखेंगे तो कोई ठोस योजना नहीं है, और आज भी पारंपरिक कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं पर निर्भरता अधिक है, जो कि पर्याप्त नहीं होती है। तो अधिकांश कोल्ड स्टोरेज उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तो देखने को मिलते हैं, लेकिन बाकी अदर स्टेट्स जो होते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, लेकिन वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, तो वहाँ पर ये अनाज नुकसान होता जाता है। आगे की राह में अगर हम देखें तो क्या करना चाहिए, फार्म गेट अर्थात खेत के स्तर पर होने वाले नुकसान को कम करना चाहिए। जो परिवहन लिंक के साथ साथ ग्राम स्तर पर अनाज एकत्रण केंद्र को निर्माण को बढ़ावा दीजिए, मतलब कि गांव के स्तर पर ही, स्थानीय स्तर पर ही एक स्टोरेज सेंटर खोलिए, जहां पे उस गांव के मुखिया के द्वारा क्या किया जाएगा, सभी लोगों का, जो सभी किसानों का जो अनाज होगा उसको स्टोर किया जाएगा, फिर एक प्रॉपर परिवहन का प्रयोग करके उसको स्थानीय मंडी, यानी कि जो जिले स्तर की जो APMC होती है, सरकारी मंडी होती है, वहाँ पे पहुँचाया जाए, जिससे गांव के स्तर पे या खेत के स्तर पे जो नुकसान हो रहा है उसे कम करो। विकेंद्रीकरण, अच्छा प्रदर्शन कर रहे राज्यों के साथ अधिक से अधिक जिम्मेदारियों को साझा किया जाए, जैसे हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, UP भी इसमें आपका शामिल हो जाएगा। वहीं सुखाना और पर्याप्त हवा, वातन और तापमान नियंत्रण, अर्थात कि उचित नमी और तापमान यह निर्धारित करते हैं कि अनाज अपनी गुणवत्ता खोए बिना कितने समय तक भंडारण किया जा सकता है। तो इसकी टेक्निक में भी परिवर्तन करना चाहिए कि कोल्ड स्टोरेज की जो प्रॉपर्टी है, अर्थात कि जो टेक्नोलॉजी है, उसमें भी चेंजेस किया जाए, ताकि अनाज की जो गुणवत्ता है बनी रहे। पारंपरिक तरीकों को मजबूत करना, भंडारण के पारंपरिक साधनों को आधुनिक इनपुट्स की सहायता से मजबूत बनाया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए बांसों की संरचना, मिट्टी तथा गीली मिट्टी की संरचना का उपयोग करके। वहीं कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज की पद्धति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसकी बजाय साइलो बैग तकनीक और पारंपरिक भंडारण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये कवर एंड प्लिंथ क्या होती है, यह एक अनाज भंडारण की एक विधि है, जिसमें अनाज को खुले, जो किसी खुले जगह व चबूतरे नुमा स्थान में जो है कि ढककर रखा जाता है, और इससे क्या होता है, उसमें नमी वगैरह हो जाती है, जिससे वो राशन या वो अनाज खराब हो जाता है। इसलिए इसको साइलो बैग तकनीक और पारंपरिक भंडारण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कवर एंड प्लिंथ वाली टेक्नोलॉजी को नहीं। आगे यहाँ पे देखेंगे, निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके द्वारा सरकार भंडारण गोदामों, कोल्ड जो चेन स्टोरेज आदि में निवेश करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों को ऋण की सुविधा भी प्रदान कर सकती है कि आप यहाँ पे अपने जो अनाज है उनको स्टोर करिए, और अनाज भंडारण के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करिए, टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों को अपनाने से अनाज प्रबंधन में भी मदद मिल सकती है, यानी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। तो ये तो थे आज के 3 से 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और अब हम जो है कि अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इकोनॉमिक्स को नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद हम जल्दी ही एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेगमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जहाँ पर सभी PDFs प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल कि अगर सारी प्रोफाइल अगर आप लोगों ने देख ली और चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।